हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। मैं आपका दोस्त पंकज कुमार गुप्ता। आज इस क्लास के माध्यम से हम ICSE क्लास 9th का मैथ पढ़ेंगे और मैथ का पहला चैप्टर पढ़ेंगे रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, और इसमें जो भी कंसेप्ट होंगे वो समझेंगे और इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? ऐसा नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें। पी बाई क्यू का मतलब ऐसे, जहाँ पे पी एंड क्यू आर इंटीजर। इंटीजर मतलब बता दे रहा हूँ अभी, इंटीजर, ठीक है। पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, इतनी शर्तें हैं एक रेशनल नंबर होने के लिए। यानी पी और क्यू इंटीजर हो, क्यू जीरो के बराबर ना हो। जैसे इंटीजर क्या होता है? इंटीजर उसको बोलते हैं जो होल नंबर होता है और साथ में उसका नेगेटिव पार्ट भी इंक्लूड होता है। जैसे होल नंबर में 0, 1, 2, इसका नेगेटिव पार्ट -1, -2, ये सब इंटीजर है। इंटीजर मतलब फ्रैक्शन में ना हो, 2/3 हो ना हो, बस होल नंबर हो, 2, 1, 3, 4, एक एक का गैप मेंटेन उनके बीच में, कंजुगेटिव नंबर के बीच में, ठीक है। पी और क्यू इंटीजर हो, क्यू जीरो के बराबर ना हो। जैसे पी क्या ले सकते हो? 2। अगर Q 0 ले लोगे तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। 0 से अगर किसी नंबर में आप डिवाइड करोगे तो अनडिफाइंड आएगा। क्या आएगा? अनडिफाइंड। आप उसे डिफाइन नहीं कर सकते हो, यानी बता नहीं सकते हो कितनी वैल्यू होगी, अभी तक मालूम ही नहीं चला, ठीक है। अब देखो, ये 2/5 रेशनल नंबर है, 6/8 रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इंटीजर हो लेकिन क्यू जीरो ना हो। जैसे यहाँ पर -7/8, ये भी आपका क्या हो गया? रेशनल नंबर है, समझ गए, रेशनल नंबर ही होता है। अब इसका जस्ट उल्टा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे पी बाई क्यू का मतलब क्या था कि पी इंटीजर हो और क्यू इंटीजर हो लेकिन क्यू जीरो ना हो। तो उसमें क्या हो जाएगा ना इरेशनल नंबर में, कि ऊपर आ जाएगा √3, नीचे आ जाएगा मान लो √2, जो भी चीज़ें आ गई, ठीक है। कुछ 1 भी आ सकता है, कोई मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो √3 क्या है? आपका एक इंटीजर नहीं है, क्योंकि √3 की वैल्यू क्या आती है, देखिए 1.71 समथिंग, ठीक है, ऐसे कुछ आती है। तो जब ये वैल्यू इतनी आती है तो डेसिमल में नंबर हो गया ना। इंटीजर में क्या था? होल नंबर होने चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये भैया इसमें है, तो इसीलिए आपका क्या है? इरेशनल नंबर हो गया। तो कोई बोलेगा √3 क्या है बाबू? तो इरेशनल नंबर है। √3 को कैसे लिख सकते हो? √3/1 लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो, √3/1 है कि नहीं? तो आप इतनी बातें समझ गए, ये इरेशनल नंबर है। जैसे √5, तो ये भी इरेशनल नंबर है। पाई जो हम लोग मैथ में लिखते हैं वो भी क्या है? इरेशनल नंबर है। पाई का मतलब क्या होता है? 22/7, ऐसे जनरल लिखते हैं, लेकिन ये फ्रैक्शन में तो दिखा देते हैं, लेकिन एक्चुअल वैल्यू यह नहीं है इसकी। इसका डेसिमल एक्सपेंशन जब देखोगे तो 3.1445, ऐसे सब टर्म चलता रहेगा, वो ख़त्म ही नहीं होगा, नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं होगा। पहले 1-4 चला, फिर 2-3, फिर अगली बार कुछ दूसरा नंबर, ऐसे लाखों चलता जाएगा, कभी एंड ही नहीं होगा। इसलिए पाई को किस में रखा गया है? इरेशनल नंबर में। तो पाई इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि उसका डेसिमल जो एक्सपेंशन है नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है। भले ही हम ऐसे लिखते हैं लेकिन एक्चुअल वैल्यू ये नहीं है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू ये है, कन्फर्म, ठीक है। तो आप पाई को इरेशनल मानोगे, तो पाई इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इरेशनल नंबर उसको बोलते हैं जो रेशनल ना हो, यानी रेशनल में होने का मतलब इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पे इंटीजर नहीं दिखेगा, जैसे आपने लिख दिया √4, तो ये तो इंटीजर बन जाएगा, √4 का स्क्वायर √2 होता है, तो 2/1, तो ये इंटीजर है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर जी, जो रूट के अंदर जो वैल्यू है वो अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे √9, तो ये तो 9 का निकल जाएगा भाई स्क्वायर रूट, तो ये तो पॉसिबल है कि इंटीजर है, तो इंटीजर है तो रेशनल नंबर है। लेकिन अगर आपने 15 लिख दिया तो इसकी वैल्यू आप डेसिमल में ही आएगा, 3 point something आएगा, ठीक है, आप चेक करिएगा, तो इसकी वैल्यू इसमें काउंट नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए ये √15 क्या है? इरेशनल नंबर है। यहाँ तक हमने समझा, अब आगे चलते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर में कहाँ से आता है? 1 से लेकर चलता जाता है, 1, 2, 3, एक एक का गैप मेंटेन रहता है, आगे भी जाएगा, ठीक है। होल नंबर में बस आपको कोई एक जीरो लगा देना है, किस में? नेचुरल नंबर में। तो ये आपका होल नंबर बन जाएगा, ठीक है, ये होल नंबर, ये नेचुरल नंबर, ठीक है। ऑड नंबर जानते ही हो,
ये सब नहीं पढ़ना है, बस इतना समझिए। तो जितने नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है, प्राइम नंबर है, ये सब रेशनल नंबर है, ठीक है। तो रेशनल नंबर समझ आए क्यों? क्योंकि भाई मैं थ्री को ही बोलूँगा कि रेशनल है कि नहीं, तो है भाई, थ्री बाई वन हो ही नहीं सकता है। वन से किसी नंबर में आप डिवाइड कर सकते हो भाई, थ्री में वन से डिवाइड करो थ्री आएगा, तो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, बस नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए रेशनल नंबर है। समझ गए बात को, कन्फर्म? तो देखो अब होता है कुछ, एक होती है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर, ठीक है। जैसे प्रॉपर्टीज बताना है और ऑपरेशन करना, ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। तो दो रेशनल नंबर लेते हैं, जैसे देखो टू और वन, ये रेशनल नंबर, इनको जोड़ोगे तो क्या होगा? थ्री होगा। अगर मैं इनको उल्टा करके भी जोड़ता हूँ तो थ्री आएगा कि नहीं? तो एक होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव मतलब क्या होता है? अगर दो नंबर है ए प्लस बी, तो आप बी प्लस ए भी करोगे तो वही रिजल्ट आएगा, तो बात सही है कि नहीं? ये ए था, ये बी था, तो थ्री आया, हमने उल्टा करके जोड़ा तो ये थ्री आया, ठीक है। चीज़ देखो कम्यूटेटिव तो हो गया, अब देखो एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, ठीक है। अगर मान लो आप तीन नंबर है ए प्लस बी प्लस सी, शुरू में ऐसे ब्रैकेट में था, ठीक है, फिर बाद में B प्लस सी, ठीक है। देखो आप जोड़ भी रहे हो ना, तो ये रेशनल नंबर था, ये भी रेशनल, तो रिजल्ट भी क्या रहा है? रेशनल नंबर आ रहा है। तो आप बोल सकते हो इट इज़ क्लोज अंडर एडिशन, यानी हम एडिशन करेंगे दो रेशनल नंबर का तो रेशनल नंबर ही आएगा, तो ये क्लोज्ड है कि नहीं? क्लोज्ड है। अगर तुम दो रेशनल नंबर को माइनस करो, जैसे इसी को माइनस करो, टू माइनस वन, तो वन आ रहा है कि नहीं? ये भी रेशनल नंबर है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी क्या आएगा? रेशनल नंबर ही आएगा। तो इट इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, घटाने पे भी रेशनल नंबर आ रहा था। अब मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। टू वन जाए टू, कोई भी दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? रेशनल नंबर आएगा। तो इट इज़ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन भी। अब डिवाइड करो थ्री, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, तो रिजल्ट भी रेशनल। तो इसका मतलब क्या है? यह एडिशन भी फॉलो कर रहा है, माइनस भी फॉलो कर रहा है, मल्टीप्लाई भी फॉलो कर रहा है, डिवाइड भी फॉलो कर रहा है। कब? जब यह रेशनल नंबर दे रहा है तब। तो कोई बोलेगा क्या हम दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल आएगा? आएगा भाई, डिवाइड करेंगे तो आएगा, आप देख भी सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई कम्यूटेटिव ला, ठीक है, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव, ठीक है, कम्यूटेटिव। इस पर हो गया, जोड़ने पर आ रहा है रिजल्ट। अब जैसे मान लो ये एक दो तीन, एक दो प्लस तीन, इसको एसोसिएटिव बोलते हैं, तीन तीन एक पाँच, दोनों छः दे रहे हैं कि नहीं? है कि नहीं रिजल्ट? तो एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव मतलब दो को एक ब्रैकेट में, अगला वाला प्लस, इन दो को एक ब्रैकेट में, ये खाली इधर वाला, तो एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो कर रहा है। कब? जोड़ने पर। अब माइनस पर चेक कर लेते हैं फॉलो कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देखो माइनस पर नहीं फॉलो करेगा, तुम देखना, जैसे यहाँ पर दो है ना नंबर, जैसे कम्यूटेटिव ही चेक कर रहे हैं कि माइनस पर फॉलो करेगा कि नहीं। देखो दो माइनस वन, एक आया, अब इसका उल्टा कर दो, एक माइनस दो माइनस वन, कहाँ आया? सेम है दोनों, नहीं ना? तो इट इज़ क्लू, ये फॉलो करता है कम्यूटेटिव ला। कब? जोड़ने पर, यानी प्लस करने पर। कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है, याद रखिएगा, उल्टा करके। एसोसिएटिव का मतलब ये होता है, यही फार्मूला है, ठीक है, उसका आप बुक में पढ़ोगे समझ में आएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब आप माइनस भी करके देख लो एसोसिएटिव फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो चेक करो, एक माइनस दो माइनस तीन, एक माइनस दो माइनस तीन, तो एक माइनस दो माइनस एक, एक माइनस, ये माइनस हो जाएगा माइनस एक, देखो ये प्लस टू, ये माइनस फोर, नॉट फॉलो, नहीं फॉलो कर रहा है भाई कम एसोसिएटिव ला, माइनस पे कहाँ फॉलो कर रहा है, नहीं ना फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए ना, तो ये दोनों वैल्यू बराबर होने चाहिए, आप ऐसे भी करो तो बराबर है। तो ये सिर्फ जनरली आप प्लस पे ही फॉलो करता है कम्यूटेटिव ला और एसोसिएटिव ला, माइनस पे फॉलो नहीं करता है। इसी तरह मल्टीप्लाई पर आप चेक करिएगा, टू इंटू वन टू आएगा, फिर उल्टा भी करोगे तो वही आएगा। तो कम्यूटेटिव ला मल्टीप्लाई पर भी फॉलो करेगा और एसोसिएटिव ला मल्टीप्लाई पर भी फॉलो करेगा, बस आपको साइन चेंज कर देना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाइएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, और चेक कर लीजिएगा आराम से, तो ठीक है फॉलो करेगा, लेकिन डिवाइड करोगे तो नहीं फॉलो करेगा। देखो उसको मैं बता दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई वाला आप समझ गए होंगे। दो नंबर हैं ए डिवाइड बी,
बी डिवाइड ए होना चाहिए, क्यों? क्योंकि फार कमुटेटिव ला के लिए, फार कमुटेटिव, ठीक है। एक डिवाइड दो इक्वल टू एक, दो डिवाइड एक, इसको डिवाइड करो तो वन बाई टू, इसको डिवाइड करो टू, नॉट इक्वल्स, तो इसलिए फॉलो नहीं कर रहा है। इसलिए आप एसोसिएटिव भी चेक करना, फार एसोसिएटिव, एक डिवाइड दो ब्रैकेट वन, ठीक है। यहाँ से अगर वन बाई टू इसको करोगे तो वन बाई थ्री नीचे आ जाएगा, मालूम है ना, डिवाइड चेंज होता है तो वैल्यू नीचे चली आती है। वन डिवाइड इसको देखो, इसको पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो टू बाई थ्री आएगा, फिर इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, थ्री ऊपर चला जाएगा टू नीचे, वन बाई सिक्स, ये थ्री बाई टू बराबर है, नहीं बराबर है ना, तो फॉलो एसोसिएटिव भी नहीं करेगा। आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए, जैसे टू डिवाइड थ्री है तो इसका मतलब होता है टू मल्टीप्लाई वन बाई थर्ड, साइन चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में और वैल्यू उल्टी हो जाती है, थ्री ऊपर था तो थ्री नीचे आ जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट क्या हो गया, टू बाई थ्री, ठीक है। तो बात समझ लिया, क्लोज मतलब आप दो रेशनल नंबर को जोड़ोगे तो रेशनल ही आएगा, दो रेशनल नंबर को घटाओगे तो रेशनल ही आएगा, दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो रेशनल ही आएगा, दो रेशनल नंबर को डिवाइड करोगे तो रेशनल ही आएगा, ये क्लोज्ड लॉ है रेशनल नंबर पर, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ भी समझा, एसोसिएटिव भी समझा। अब थोड़ा अगला पढ़ते हैं आइडेंटिटी। अगर मान लो एक रेशनल नंबर है वन बाई टू, अगर मैं इसमें जीरो जोड़ूंगा तो वन बाई टू ही आएगा ना, तो आइडेंटिटी, तो प्लस पे आइडेंटिटी क्या है, जीरो। अब मल्टीप्लाई पर चेक कर लो, वन बाई टू में अगर मैं वन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो रिजल्ट क्या आएगा, वही रेशनल नंबर आएगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स है, जीरो किसका है, प्लस के लिए, और मल्टीप्लाई के लिए कौन सा आइडेंटिटी एलिमेंट है, वन। देखो आइडेंटिटी एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है कि आप जब प्लस ऑपरेशन कर रहे थे तो ऐसा कौन सा नंबर मैंने लिया कि रेशनल नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ। तो वन बाई टू मेरा एक रेशनल नंबर था, मैं कौन सा नंबर जोड़ू कि चेंज ना हो, तो मैं जीरो जोड़ा तो रेशनल नंबर वही का वही मेंटेन रहा, तो ये आइडेंटिटी हो गया फॉर एडिशन के लिए, जीरो वैल्यू, ठीक है, जीरो वैल्यू। मल्टीप्लाई के लिए वन, क्योंकि वैल्यू में चेंज हमें लाना नहीं है, ये सब चीज़ें ऑपरेशन में डालोगे तो चेंज नहीं है। इस वन बाई टू में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही रहे, तो वन है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ वन फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। अब आगे देखो एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स का मतलब जोड़ने के बाद पूरी वैल्यू जीरो बन जाए। जैसे आपने लिखा टू, टू भी एक रेशनल नंबर है, आप भाई टू बाई थ्री लिख दो। देखो मैंने जितने पहले नंबर लिखा टू लिखा, तो टू भी रेशनल नंबर है, क्यों है, क्योंकि टू का आप क्या लिख सकते हो, टू बाई वन, तो वन तो अंडरस्टूड है भाई, वन से किसी नंबर में डिवाइड करोगे वही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इट इज़ ए रेशनल नंबर। आप ऐसे भी देखो, इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, टू बाई थ्री एक रेशनल नंबर है, इसमें मैं क्या जोड़ूंगा तो जीरो हो जाएगा, तो देखो इसका जस्ट उल्टा मैं जोड़ दूंगा तो जीरो हो जाएगा, उल्टा का मतलब निगेटिव पार्ट, ठीक है। देखो ये प्लस था ये माइनस, तो माइनस प्लस कट जाएगा तो जीरो आ गया, तो ये एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। एडिटिव इन्वर्स मतलब उसी नंबर का निगेटिव पार्ट, जैसे टू का क्या होगा एडिटिव इन्वर्स, माइनस टू का बता सकते हो, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जैसे टू बाई थ्री में क्या हम मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू वन आ जाए, ठीक है। तो वन लाने के लिए आपको जस्ट इसका उल्टा करना पड़ेगा, थ्री बाई टू, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बता सकते हो, फोर का क्या होगा, वन बाई फोर, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ऐसा बोलते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आ जाए आपका, जीरो आ जाए, सॉरी वन आ जाए, और ऐड करने पे क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो ये बातें क्लियर हो गई, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स करता है कि नहीं रेशनल नंबर पर, देखो अगर मान लो वहाँ पर मैंने वन बाई टू लिखा, मल्टीप्लाई ब्रेकेट में सिक्स बाई टू बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री, फिर मैंने थोड़ा इसको चेंजेस लाया, वन बाई टू मल्टीप्लाई टू बाई थ्री, वन बाई टू मल्टीप्लाई वन बाई थ्री, ठीक है। यही आपका कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब हम बांट देते हैं, जैसे ये वाला चीज़ है ना, इसमें मल्टीप्लाई करेगा, इसमें मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या ये करने पर वैल्यू सेम आ रही थी कि नहीं, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। कौन सी प्रॉपर्टी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो वन बाई टू यहीं पर रखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू वन आएगी, एलसीएम वगैरह निकालना आता होगा, सॉल्व करेंगे वन आएगा, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे वन बाई थ्री, यहाँ पे सॉल्व करेंगे वन बाई सिक्स, ठीक है। इसका भी आप एलसीएम निकालोगे तो सिक्स आएगा, यानी वन बाई टू, तो ये भी वन बाई टू, ये भी वन बाई टू, तो दोनों वैल्यू क्या होंगे, सेम। तो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर फॉलो करता है, ठीक है। तो रेशनल नंबर समझ गए, नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर है, मत बोलिएगा, होल नंबर भी रेशनल नंबर है,
इवन नंबर भी है, प्राइम नंबर भी है, ऑड नंबर भी है, ठीक है, रेशनल नंबर। चलते हैं हम आगे। ये रेशनल नंबर नहीं है, भूल मत जाइएगा। जीरो नीचे जहाँ आ जाएगा तो अनडिफाइंड हो गया, रेशनल नंबर नहीं है ये, किसी में नहीं, अनडिफाइंड टर्म है, ठीक है। अब हमें जानना है डेन सेनेस प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। यह कहता है कि अगर दो रेशनल नंबर हैं तो उसके बीच में बहुत से रेशनल नंबर होंगे, इनफाइनाइट आप बता नहीं सकते हो, ठीक है। जैसे अभी मैं आपसे पूछूं कि क्या एक नंबर लाइन ये है 0, 3, तो इसके बीच में कितने इंटीजर होगा, तो आपका आंसर सिंपल होगा 1, 2, दो लोग इंटीजर हैं कि नहीं, है ना। लेकिन अभी मैं बोल दूँ इस 1 और इस 2 के बीच में कितने रेशनल नंबर हैं, कितने रेशनल नंबर है, तो सोचना पड़ जाएगा ना कितने हैं, तो सोच नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा रेशनल नंबर होगा, क्योंकि 1 भी तो आपका एक रेशनल नंबर है, 2 भी तो रेशनल नंबर है, 1 को 1 बाई लिख सकते हो, 2 को 2 बाई 1 लिख सकते हो, तो 1 और 2 के बीच में बहुत ज़्यादा रेशनल नंबर होगा, बहुत सारे होंगे, उनको निकालना है। तो यह कहता है डेन सेनेस प्रॉपर्टी कि दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत ज़्यादा रेशनल नंबर होंगे, यानी इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। कोई भी दो रेशनल नंबर आप उठा लो, जैसे मान लो मैं ये लिख दिया 1/2 और मैंने लिख दिया 2/3, तो इसके बीच में कितने रेशनल नंबर, बहुत ज़्यादा, इनफाइनाइट, आप सोचते रह जाओ, ठीक है। तो यही डेन सेनेस प्रॉपर्टी। तो आपको इसमें यही जानना है कि आप इंटीजर तो बता सकते हो, 0 और 3 के बीच में कितना, 1 और 2, बस सिंपल सी बात है, लेकिन ये सब आएगा तो समस्या हो जाएगा। नेचुरल नंबर भी बता सकते हो 1, 2, होल नंबर भी बता सकते हो, लेकिन ये वाले में एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन 4 टे पूछते तो 4 टे आप बता सकते हो, 3 टे पूछे 3 बता सकते हो। तो वही जानना है कि अगर आपके पास एक ये रेशनल नंबर है, एक ये रेशनल नंबर है, इसके अंदर बहुत से इरेशनल नंबर होंगे, हमें निकालना है। तो देखो आप एक तरीका ये लगाना कि 1 लिखना, ये पहले को मान लेना ए, ये बी, ठीक है। 1 लिखिएगा, 1 में क्या करिएगा कि आप हाफ से बिगनिंग करिएगा, 1/2 से, और डिफरेंस निकाल लीजिएगा दोनों का, ठीक है। तो 1+1/2 × 1 यानी 3/2, ठीक है, हो गया कि नहीं। तो 3/2 इसके बीचों बीच का नंबर होगा, आप मिला लीजिएगा 1.5 आएगा हम सब, ठीक है, इसके बीचों बीच का नंबर है, ठीक है। तो एक तरीका क्या कहता है कि अगर मान लीजिए ए एक नंबर है, एक बी नंबर है, दोनों रेशनल नंबर है, और यहाँ पर बी की वैल्यू ए से बड़ी है, तो उस टाइप हम कैसे निकालेंगे पहला रेशनल नंबर। उसके लिए ये तरीका होगा कि ए प्लस हाफ बी माइनस ए। अब आप चाहते हो कि इससे भी बढ़िया तरीका बनाना, तो एक और निकाल लो, 1/3 कर देना इसी को, 1/3 बी माइनस ए। फिर आप चाहते हो और भी निकालूँ मैं, तो 1/4 बी माइनस ए, ठीक है। तो अब बातें समझ गए होगे, आप ये भी लगा के निकाल सकते थे, ये फार्मूला भी लगा के, ये फार्मूला ऐसे, ये वाला देखो, ये वाला सीरीज चलता रहेगा, 2 से 3, 3 से 4, 4 से क्या आएगा बाबू 5, ऐसे ही सीरीज पढ़ता रहेगा, और यही फार्मूला रहेगा, आप इसके हेल्प से निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो मेरा 3/2 आया, मैं चाहता हूँ इसके बीच में निकालो, तो फिर डेन सेनेस प्रॉपर्टी लगाओ, ये बड़ी है तो ए आगे प्लस 1/2 बी माइनस ए, यानी 3/2 - 1, तो 1+1/2 यहाँ पर बचेगा 1/2 यानी 1/4 यानी 5/4, तो इसमें कौन सा एक वैल्यू आ गया 5/4, जो इसके बीचों बीच का है। ये हाफ बताता है कि बीचों बीच का पार्ट है, यानी 1 तक तो ठीक था, 1 ले लिया, लेकिन अब मैं इन दोनों का आधा ले रहा हूँ ना, तो ये हाफ यही बताता है कि आप आधे पर हो, ठीक है, समझ गए बात को। इसी तरह आप 1/3 भी करके आप निकाल सकते थे, ठीक है, तो आप पैसे निकालिएगा। तो ये एक तरीके हैं कैसे आप निकाल सकते हो, तो इसको आप लर्निंग कर सकते हो, चाहे तो आपसे समझ लो कंसेप्ट है, ये सब फार्मूले हो जाएंगे, अगला फार्मूला ये हो जाएगा निकालने के लिए, ठीक है। आप चाहे इस पे निकालो, चाहे ये रख के निकालो, चाहे ये वैल्यू वही आएगी, ठीक है। आप चेक करिएगा, हाफ का मतलब बीचों बीच में, 1/3 का मतलब 1/3 पार्ट में, ठीक है। जैसे मान लो ये लिखा है 1/2 और 1/3, हमें निकालना है इसके बीच का दो नंबर, तो देखो कैसे निकालते हैं, ए प्लस हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं, बी माइनस ए, ठीक है, बी बड़ा वाला होगा, ठीक है, बी बड़ा वाला होगा, ये वाला वैल्यू बड़ा है, यानी 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3, ये समझ आनी चाहिए कौन बड़ा है, 1/2 बड़ा है भाई, क्योंकि आधा है, ये 1/3 है, यानी एक रोटी का 3 पार्ट है, एक रोटी का 2 पार्ट है, तो ये वाले लोग ज़्यादा पाएंगे ना, ये वाला तो कम पाएगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो कौन फ्रैक्शन बड़ा है, तो ऐसे करिएगा, इसमें इससे मल्टीप्लाई, इसमें तो 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, ये वाला वैल्यू बड़ा है, इसलिए ये वाला वैल्यू बड़ा है,
तो देखो मैं वहाँ पर 1/3 लिख रहा हूँ, आप 1/2 रख के भी निकाल सकते थे। तो ए क्या होगा, 1/3 फिर 1/3, बी 1/2 माइनस 1/a, तो इसको सॉल्व करिएगा 1/3, इसको सॉल्व करोगे तो 1/6 आएगा। ठीक, तो फाइनल सेवन बाई एट्टीन, तो यहाँ पर एक वैल्यू आएगी जिसका नाम क्या होगा, 7/18। ठीक है, तो आप समझ रहे हो 7/18 कहाँ होगा, किसके बीचों बीच में होगा। ठीक है, अब दूसरा भी अपनी क्या दो निकालना था ना, तो इसके बीच में निकाल दो चाहे इसके बीच में निकाल दो, वही फार्मूला लगा के आप 1/4 भी लगा सकते थे, 1/5 भी लगा सकते हो। ठीक है, अगर दो रेशनल नंबर है जैसे 1, 2, ठीक है, आपको निकालना है इसके बीच में, तो इसको ए मानिएगा, इसको बी, इन दोनों को जोड़िएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, 3/2, तो रेशनल नंबर आ गया कि नहीं, 3/2। अब चाहते हो कि आप इसके इसके बीच में निकालो, तो फिर वही काम करना, 1 + 3/2/2 यानी 5/2/2 यानी 5/4। ठीक है, देखो इसको जोड़ोगे 5/2 और ये 2। ठीक है, अब एक चीज़ देखो मैं तुमको बता दे रहा हूँ, अगर ये नहीं आ रहा है तो देखो, अगर कोई ऐसे लिख दिया 5/3/2 कैसे सॉल्व करेंगे, ये एक फ्रैक्शन है, नीचे भी एक फ्रैक्शन बना सकते हो, 2/1 बन गया, 5/1 लिख सकते हैं नीचे, तो आप कुछ नहीं करिएगा, इसको इससे मिलाइएगा और इसको इससे मिला दीजिएगा, बस आंसर आ गया 1 × 5, मिलाने का मतलब मल्टीप्लाई करना है, 3 × 2 5/6 आ गया कि नहीं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे, समझ गए तरीका, एक थे और देख लो, 2/3 लिखा है, 4/3 लिखा है, कैसे करेंगे, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे, यानी 3 वाला ऊपर जाएगा, आप मन कर तो कटा भी सकते हो, 1/2 आएगा फाइनली कटाने के बाद। ठीक है, तो ये भी ऐसे सॉल्व करने के तरीके हैं, तो ये सब जानिए। ठीक है, एक तरीका आपने ये जाना कि a प्लस बी बाई टू का फॉर्म होता है, ये फार्मूला यूज कर सकते हो, बीच वाला आ गया तो फिर इसका निकाल दो बीच वाला, फिर इसके बीच वाला, ऐसे निकालते जाओगे। ठीक है, तो ये जो है ना, ये इन दोनों, इससे छोटा है और इससे बड़ा है, जैसे ही यहाँ पर निकालोगे तो ये जो वैल्यू है ये यहाँ पर होगी 5/4। ठीक है, बीचों बीच होगा, फिर इसके इसके बीच में निकाल सकते हो, तो आंसर निकालना आपके हाथ। ठीक है, वो क्या कहता है कि अगर दो रेशनल नंबर है, जैसे कि 1 है यहाँ पर 2 है, ठीक है, दो रेशनल नंबर है, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1/1, 2/1 लिख सकते हैं, इसका नाम हमने ए रख दिया, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। ठीक है, कुछ समय के लिए आप यहाँ पर 1 को बी मान लो, 1 को डी मान लो, ठीक है, लेकिन आप हटा दो, मान लो 1/2 है, ये 2/3 है। ठीक है, आप उसमें भी कर सकते थे, लेकिन आप सोचोगे कि दो नंबर को अलग अलग क्यों मान रहे हैं। ठीक है, तो देखो अगर ऐसे दिया हो तो आप कैसे निकालोगे, देखो तो इसका रेशनल नंबर निकालने के लिए एक तरीका है, वो क्या करेंगे हम कि ए प्लस सी बी प्लस डी, 1 + 2, 2 + 3 यानी 3/5 हो गया कि नहीं, 3/5, तो एक रेशनल नंबर आ गया बीच में, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे कोई दे दिया 2 और 3 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालो तो क्या हो जाएगा, 2/1, 3/1, तो 2, 3, 5, 1, 1, 2, 5/2, इट इज़ योर रेशनल नंबर, कहाँ होगा, इसके बीचों बीच में होगा, इट इज़ योर आंसर। ठीक है, समझ गए ना, आप इससे इससे जोड़ो, इससे इससे जोड़ो। ठीक है, तरीके याद रखिए कैसे करें, हेल्प से दूसरा निकालते हो तो 3/5 कहाँ होगा भाई, इसके बीचों बीच में कहीं होगा ना, कहीं बीचों बीच में होगा, तो आप इसके बीच में भी फिर वही फार्मूला लगाना है, यहाँ पर कोई दूसरा बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान तरीके हैं, आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, अब फोर्थ मेथड ये कहता है कि अगर आपसे बोल दे दो रेशनल नंबर ए और बी, इनके बीच में 5 निकालना है, क्या निकालना है, 5 रेशनल नंबर बताना है, तो 5 को हम बोल देंगे एन भी बोल सकता है भाई ना, एन कोई नंबर हो सकता है, 2 बोल दे, 3 बोल दे, तो मान लेते हैं एन नंबर निकालना है, तो इसके लिए क्या फार्मूला होगा, तो देखिए आप पहले क्या करोगे कि ए लिखोगे, ठीक है, यानी यहाँ पर 1 होगा, ठीक है, पहला 1 हो जाएगा, दूसरा निकालोगे तो ए प्लस 2 बी माइनस ए एन प्लस 1। ठीक है, एन क्या है, कितने वैल्यू निकालने हैं, कितने रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, ऐसे ये वाला देखो, ये वाला चेंज होता रहेगा, फिर अगला निकालोगे तो ए प्लस 3 × b - a / n + 1। ठीक है, ऐसे चेंज होता रहेगा, तो ए क्या है आपका, अगर मान लेते हैं
ये ए टू है और बी थ्री है, हमें इन्हीं के बीच में पाँच ठे निकालना है। तो ए की जगह पे आप क्या रखोगे, टू। ये पहला नंबर निकालना है तो इसलिए वन लिखा है, ठीक है। बी माइनस ए गैप, थ्री माइनस टू, भाई कितने निकालना था, पाँच एक छः, एन की वैल्यू पाँच। एन बताता है कितने लोगों को निकालना है, अगर पाँच रेस्टोरेंट नंबर पूछा है तो पाँच लिखेंगे। यहाँ से पहला आ जाएगा, दूसरा निकालना है तो देखो टू प्लस टू इन टू बी माइनस ए एन प्लस वन, ठीक है। देखो फिर दूसरा निकालना तो टू लिखा है, ऐसे ही तुम लिख से जाओगे, टू प्लस वन बाई सिक्स, थर्टीन बाई सिक्स आएगा। फिर इसको सॉल्व करोगे, फोर्टीन बाई सिक्स आएगा, ठीक है। ऐसे बढ़ता जाएगा, अब एक स्टेप क्लियर हो जाएगा, थर्टीन के बाद फोर्टीन, तो फोर्टीन के बाद क्या आएगा, फिफ्टीन, फिर फिफ्टीन के बाद सिक्सटीन, फिर सिक्सटीन के बाद सेवनटीन बाई सिक्स। इसमें क्या होता है ना कि डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो ये भी बेस्ट तरीका है। इसमें डिनोमिनेटर सेम कर दिया जाता है और एक एक वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, आपके फाइव, ठीक है। तो आप ये समझ गए होगे, देखो पहले मैंने क्या किया, पहले ये फार्मूला होता है बी माइनस ए, बी वाला वैल्यू बड़ा होगा किस से, ए से बड़ी होगी, तो ए प्लस पहला निकालना था तो वन लिखा, बी माइनस ए बाई एन प्लस वन, ठीक है, ऐसे सॉल्व किया ये हो गया, ए प्लस ये वाला जो सॉल्व किया ये हो गया, ठीक है। दूसरा निकालना था, तीसरा, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो आज हमने इतने मेथड्स पढ़े, अगली क्लास में इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।